नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज के कुछ अहम खबरों का। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने दिया 4T का मंत्र, बताया लॉकडाउन के बिना कैसे बढ़ाए सख्ती। किसान आंदोलन पे आप सरकार ने केंद्र को दिया झटका, दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज। डेल्टा के आगे टीका भी पड़ा फीका, वैक्सीन लगवाने वाले 80% लोगों को हुआ डेल्टा प्लस का संक्रमण। चंडीगढ़ में निमोनिया से बच्चों के बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू, 1.5 माह के आरव और शिल्पा ने लगवाई सुई। पंजाब यूनिवर्सिटी की पहल, ई कचरा प्रबंधन के लिए तैयार होगी युवाओं की टीम, 15 दिन में मिलेगा 1 युवा को परीक्षण। पंजाब कांग्रेस का विवाद, दिल्ली में सोनिया गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग खत्म, चंडीगढ़ में होगा अगला ऐलान। पंजाब में बसपा अकाली दल ने फूंका केजरीवाल का पुतला, अनमोल सिंह मान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। अनिल विज ने किसान आंदोलन पर बोला हमला, कहा कृषि कानून का विरोध पर केजरीवाल बनना चाहते हैं किसान नेता। हरियाणा में खुले स्कूल, 9वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थी पहुंचे स्कूल, संख्या के हिसाब से बच्चों और स्टाफ का रोस्टर बना। हिमाचल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी 141 करोड़ की DPR, हिमाचल में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस 20 जुलाई से शुरू। दिल्ली में चालान काटने पर भड़का युवक, बिना हेलमेट सवार ने पुलिस पर ईंट से किया हमला। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।